आज मैं आपको एंडोरामास के बारे में बताऊंगा, जो कि एक ए फूड सप्लीमेंट है, जो कि बॉडी सप्लीमेंट है। एक्चुअली आप देख रहे हैं ये 3480 कैलोरीज अप्रॉक्स है ए डे है। एक्चुअली इसका वेट गाइनर आप देख रहे हैं, ये बनाना फ्लेवर्स में है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक्चुअली इसकी डोज़ कैसे लेते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हम 1 गिलास दूध लेंगे, जो कि हम गर्म उसको गर्म अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके पश्चात जो जिम बॉटल आती है उसमें उसको 1 गिलास दूध को डाल लेंगे। फिर उसमें 1 केले की फड़ी को तोड़ तोड़ के उसमें छोटा छोटा करके डाल लेंगे। तत्पश्चात इसमें 2 चम्मच पाउडर को उसमें डालना होगा। फिर उसको अच्छी तरह से हिलाने के तत्पश्चात आप इसको ठीक तरह से पी सकते हैं। एक्चुअली इसका बेनिफिट्स बहुत है, जैसे कि आप थोड़े कमज़ोर हों या पतले हों, उसमें ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपको इस 10 दिन में ही आप उसका बेनिफिट दे सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर मार्कर दिया गया है। यदि कोई लोकल आपको देना चाहता है तो पहले मार्कर का यूज़ करें और तत्पश्चात देखें कि ये लोकल है या ओरिजिनल है। बस फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी चीज़ लें तो अच्छी देख के लेना। और यहाँ पे देखा देखा गया है कि यहाँ पे कौन सा डोज कैसे दिया दिया जाएगा, बच्चों में, वुमेन में, मैन में या एथलीट्स में, जो भी हैं यहाँ पे इनका दिया गया है। ये देखो, ये दिया गया है, देखो ब्लैंड एंडोरामास 10 से 20 ग्राम, 10 से 10 से 20 ग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों के लिए। और जो हमारे वुमेन्स में 20 से 30 ग्राम है, और जो मेन्स में है उनमें भी 20 से 40 ग्राम है, और जो एथलीट लोग हैं उनमें को 60 से 90 ग्राम दिया जाएगा। 2 बनाना 1 गिलास ऑफ मिल्क, यहाँ पे देखो 2 बनाना, जो एथलीट लोग हैं उनको 2 बनाना डालने होंगे, और जो मैन है उनको भी 2 बनाना डालने होंगे 1 गिलास में, 2 जो केले डालने होंगे, और जो वुमेन है उनको भी 1 डालना होगा, चिल्ड्रेन है उनको भी 1 डालना होगा। एक्चुअली इसमें बनाना बहुत बेनिफिट है। यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है कि कितनी ऊर्जा हमें किससे मिलने वाली है, विटामिन के बारे में। एक्चुअली ये बहुत अच्छा फूड है, फूड सप्लीमेंट है। बस थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता था। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बस थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।